सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का सबसे सुंदर शहर है, जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, और जहाँ के रिवर और कैनाल्स पर 800 से ज्यादा ब्रिजेस हैं, और यहाँ के म्यूजियम में अगर आप एक एक चीज देखने लगें तो आपको 10 साल से ज्यादा लग जाएगा। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, स्वागत है आप सबका रशिया की स्पेशल सीरीज में। यह है एपिसोड 5 और मैं पहुंच चुका हूँ सेंट पीटर्सबर्ग। मेरे इस हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का एक्सपीरियंस मॉस्को में काफ़ी अच्छा रहा था, इसलिए इस सुंदर से शहर को देखने के लिए भी मैंने सबसे पहले इसको ही प्रेफर किया। आगे की सीटें भरी हुई हैं तो मैं पीछे बैठूंगा, बट पीछे बैठकर भी बहुत अच्छा व्यू आने वाला है, क्योंकि ओपन एयर में इस सुंदर शहर को देखने का मज़ा कुछ अलग ही होगा। सेंट पीटर्सबर्ग का मेन अट्रैक्शन है यूरोपियन आर्किटेक्चर और यहाँ के सुंदर सुंदर कैनाल ब्रिजेस, जो कि आपको वेनिस और यूरोप की याद दिलाएगा। मैं आया हूँ पैलेस स्क्वायर, जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ स्टेट हर्मिटाज म्यूजियम, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम है, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था कि अगर इसके हर एक चीज पर आप एक मिनट भी बिताते हो तो आपको 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे इस पूरे म्यूजियम को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस बड़े से और सुंदर से म्यूजियम के अंदर। ये जो बड़े बड़े गोल्डन पिलर्स आप देख रहे हो, ये सब गोल्ड के बने हुए हैं। इस म्यूजियम में मुझे 4 घंटे का टाइम लगा, जबकि मैं बहुत सारे हॉल्स में गया भी नहीं, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा म्यूजियम होगा। यह है बिल्डिंग ऑफ द जनरल स्टाफ। इस बिल्डिंग में एक तरफ म्यूजियम्स बने हुए हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स है, और ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हो, ये स्ट्रीट पैलेस स्क्वायर को नेवस्की प्रोस्पेक्ट से जोड़ती है, जो कि एक बहुत फेमस स्ट्रीट है सेंट पीटर्सबर्ग की। रशिया की डेलीशियस बेरीज खाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की बेरीज में कुछ अलग ही टेस्ट है। मैं जा रहा हूँ मेरी आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस, जो कि इस नेवा रिवर के दूसरी तरफ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्क्रीन पर। यहाँ की एक एक जगह बहुत सुंदर है और आप पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है जो कि आप हमेशा याद रखोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हिट लाइक बटन एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस एक किला है, बट इसमें जो आप बिल्डिंग रेड कलर की ये देख रहे हो, ये पहले एज अ प्रिजन यूज होती थी और यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था।
यह है पीटर एंड पॉल चर्च, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे ऊंचा चर्च है। अंदर से भी काफी सुंदर और काफी बड़ा है, इट्स ह्यूज। सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और क्योंकि यहाँ से बाल्टिक सी बहुत पास में ही है, इसलिए इस नेवा रिवर में और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास बहुत सारे नेवल शिप्स रहते हैं। तो ऐसा ही एक नेवल शिप मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। मेरा आज का इस बस का टूर यहाँ पर फिनिश होता है, इसके बाद मैं थोड़ा सा वॉकिंग टूर लूँगा अराउंड द सिटी। जो बोट आप देख रहे हो, ऐसी ही बोट में मैं कल इस सेंट पीटर्सबर्ग शहर का कैनाल टूर करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। आई होप आपने रशिया सीरीज के पहले वाले एपिसोड्स देखे होंगे, नहीं देखे तो इस एपिसोड को देखने के बाद आप जाकर देख सकते हो। सेंट पीटर्सबर्ग अपनी व्हाइट नाइट्स के लिए भी फेमस है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में मई एंड के बाद और जुलाई मिड तक यहाँ पर व्हाइट नाइट्स रहती हैं। जैसे अभी रात के 2 बज रहे हैं, बट फिर भी काली रात नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ काली रात होती ही नहीं है व्हाइट नाइट्स के टाइम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने फीडबैक और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।